लेकिन साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के जी आइए सीपैक में हिस्सा लीजिए और इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। आप क्या कहेंगे, आपको लगता है कि इंडिया देखिए इंटरेस्ट होगा? देखिए, जी पूछने वाली बात तो ये है कि सी पैक हमारे मामों की है जो हम बेच रहे हैं बाहर, लोगों को कह रहे हैं आज भी अब जा। सी पैक किसी और कंट्री की है, उनका कुछ और मनसूबा है। हम वो कहते हैं एक एक शेर होता है, उसमें एक शेर तो नहीं कहावत है, कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, शादी किसी की है दीवाने हम हैं, क्योंकि पैसा आता है वहां से। ये मैं इस पे एहतजाज करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब, मैं एक तो उनको खैर ये है कि इन इन जो मुस्लिम लीग नून है, इनकी हिस्ट्री है कि भारत से ये प्रैक्टिकली अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सी पैक में उन्हें बाद में बुलाएं, इनवाइट करें, आप पहले अपने रिलेशनशिप ठीक करें। आपने एक बेबी स्टेप लिया था कि भारत के अंदर अपने हाई कमीशन में ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन ट्रेड नहीं किया, ये ज्यादती है। और जो जिस तरह के शवाहिद, जिस तरह की चीजें एक दूसरे के शक्को शुभात हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनको दूर करने के लिए सॉलिड सॉलिड स्टेप लें। एतमाद का जो फुकदान है उसको ठीक करें। देखें उसका, जब मोदी जी का अमेरिका का दौरा था, वहां भी उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। एससीओ के जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, उसमें भी उन्होंने फिर वही क्रॉस बॉर्डर या टेररिज्म की बात की। तो ये सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि पहले वो जो अपने शकूक व शुभात हैं उनको दूर करें, और उसके बाद ये किसी का देखें जाती तौर पर पूछे तो अपने ट्रेड की बात करें। वो BRI वाले, उनका अपना प्रॉब्लम है, उनका रोड इनिशिएटिव जो है उनका, चाइना वालों का, उनकी प्रोडक्ट है। आप उनकी प्रोडक्ट जो है वो बेचने की कोशिश ना करें, वो खुद बेच लेंगे, बड़े अच्छे सेल्समैन है, उनका अपना इंटरेस्ट है इस खत्ते के अंदर, सारा कुछ वो बड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। आप अपनी बात सही तरीके से करें, बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का, मैंने आपने बात कर दी। SEO का जो जो जिसमें तकरीर की मोदी साहब ने हिंदी में की, रशिया वालों ने रशियन जबान में की पुतिन, लेकिन हमारी रॉयल्टी जो है, जो ब्रिटिश रॉयल्स हैं हमारे, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की। मैं हैरान था उसकी क्या वजह है, इतनी इतनी कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज पर इनको, या इतना प्यार है ब्रिटिश अपने जो आका थे उनसे, इतना प्यार है कि अभी तक उस प्यार में हम दीवाने हैं। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि आज कई हर बातें करना चाहूंगा मैं, एक तो आरजू मैं कुछ चीजों पे नहीं बोल सका क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी मसरूफियत थी, जो उसके फौरन जहां से लास्ट मैंने छोड़ा था उसके बाद एक चीज हुई थी कि ईद उल अजहा बकरीद थी यहाँ पे, और उस पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मेरी मेरी परवरिश किस माहौल में हुई है, मैं थोड़ा सा उसको, मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है मेरे लिए उसको टच करना, और मैंने उस पर ईद के ऊपर ट्वीट भी किया और मैसेजेस भी। मेरा मैसेज ये है कि इस्लाम के अंदर कुर्बानी का कॉन्सेप्ट यह है कि अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान किया जाए। आज सबसे प्यारी चीज आपकी क्या है? पैसा है। अब उसको कुर्बान करना है तो कुर्बानी किताबों की कुर्बानी, बुक्स की कुर्बानी, जिनके पास कपड़े नहीं है कपड़ों की कुर्बानी दें, दवाइयों की कुर्बानी दें। एक हार्ट का पेशेंट है और आप उसको कहें बकरा खा लो यार, एक नंगा इंसान बैठा है आप उसको बोटियां दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक बंदा जाहिल है अनपढ़ है आप उसको कह रहे हैं बोटियां खा लो, और फिर उसके बाद मैं बताता हूं दुख के साथ हमारी पाकिस्तान में के अंदर इस्लाम से इतनी दूरी है जितनी सऊदी अरेबिया से जितना फासला है हमारा, हमने सिर्फ एक इस्लामिक एक सिर्फ नाम का इस्लाम हमने अडॉप्ट कर रखा है। अब मैं उसी कल्चर से आया हूं, है क्या उस दिन होता क्या है, जो प्रैक्टिस है बकरा खरीदा जाता है उसको करके आधे का उसी दिन बारबेक्यू आधा फ्रीजर किया जाता है, कुर्बान जो है वो शौकत खानम या जमात इस्लामी को भेज दी जाती है। इस्लाम की खिदमत नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, कोशिश करो दवाइयों की कुर्बानियां दो, जिनको जो बीमार है उसके इलाज करो। ये मेरा एक मैसेज कुर्बानी के हवाले से था। उसके बाद जो दूसरा मैसेज, आज मैं पहले जो दूसरी खबर जो सबसे ज्यादा हार्ड चल रही है, आपने भी वो देखा है आज, जो दो खबरें जो इस वक्त मैं जिन पे जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर रखती, तीन खबरें कर ली जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। एक तो जो बात है कि आज IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिले खास साहब से, अब वो मेरे जहन में एक फॉरन एक हलचल शुरू हुई क्योंकि मैं पोलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, भाई उनको क्या मजबूरी बन गई जाके इमरान खान से मिलने,
जिनको सारा कुछ छोड़ के जा चुका है। अब उसकी वजह में दो वजूहात मेरे जहन में आई है। एक तो इमरान खान ने अमेरिका के पर्पज को सर्व बड़े खूबसूरती से किया, अमेरिकन इंटरेस्ट को उन्होंने अपने 3.5 साल में बहुत प्रोटेक्ट किया है, वो किस तरीके से सीपैक को बंद कर। आज भी अगर सबसे बड़ा जो मंसूबा, आज भी अमेरिका को उम्मीद है कि अगर इमरान खान वापस आएगा तो सीपैक को फिर रोकेगा और हमारे इंटरेस्ट को रोकेगा, सर्व करेगा। उसी उम्मीद पर वो जाके आज फिर उसके सामने टेबल पर बैठ गए कि भाईजान हम आप भी आज दुआ कर रहे हैं, हम दुआ को हैं आपके। एक तो सबसे बड़ी वजह ये, दूसरी वजह ये है कि इस वक्त जो हमारे डॉक्टर भाईजान हैं जिनको पाकिस्तान से भाग कर आके यहाँ डॉक्टरी कर रहे हैं, कुछ 2000 के करीब है जो इस वक्त जो बेहोश हो रहे हैं खान साहब के मोहब्बत में, उनके डॉलर जो है वो लाभी काम कर रहे हैं। वो कांग्रेसमैन और सेनेटरों के पीछे भाग रहे हैं, वो खलील जादे साहब के पीछे भाग रहे हैं, तो उनको वहां से भी उम्मीद है, वो वहां से भी प्रेशर है आइए मैं आपको कि नहीं जी उनको भी खुश किया जाए। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि खान साहब की सबसे सर्वस बड़ी जो है, हालांकि उन्होंने डेविड लू को बदनाम किया, हालांकि उन्होंने बच्चों को जो बार बार ये मैसेज दिया कि अमरीका के खिलाफ जिहाद करो, इसके बाद हाँ, और मैं जो दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि अमेरिकन जो है वो इजिप्ट टर्की बहुत पैसा देते हैं बार मुल्कों में, लेकिन वहां अपने एजेंट्स को इतनी ब्रेक जरूर देते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए बेशक हमारे खिलाफ नारे लगवा लो, हम इस पे इजाजत देते हैं। मैंने कई दफा या सियासतदानों से या स्टेट डिपार्टमेंट से बात की है तो उन्होंने कहा ये दे आर पॉलिटिकल स्लोगन्स एंड आई डोंट माइंड इट अंटिल दे सर्व आवर ऑब्जेक्टिव्स, अंटिल दे सेव आवर इंटरेस्ट इन दैट कंट्री, वी डोंट माइंड दीज पॉलिटिकल स्लोगन्स। तो वो पॉलिटिकल स्लोगन बड़े भरपूर तरीके से 55 इन्होंने जलसे किए साइफर के खिलाफ, डेविड लू के खिलाफ। आज डेविड लू इलेक्शन लड़े तो हो सकता है इमरान खान जितना ही वोट ले ले पाकिस्तान से, इतना पॉपुलर है वो कर दिया इन्होंने। अब उसमें ये दो तो चीजें ये थी, मैंने इसको क्लैरिफाई किया कि व्हाई आईएमएफ वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ खान साहब, क्योंकि अभी तक आईएमएफ का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है सीपैक को रोकना, और वो कौन रोक सकता है, इमरान खान नियाज़ी रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। हाँ तो एक लेकिन सर इमरान खान के फेवरेट एआरवाई ने जो न्यूज लगाई है उसकी पिक्चर में से बीच में से खान साहब को ही उड़ा दिया उन्होंने, उन्होंने जो पिक्चर लगाई उसमें खान साहब ने भेजी थी आपको, उन्होंने चैनल तो नहीं बंद कराना ना दोबारा अपना, वो देखे खबर तो फिर उन्होंने लगा दी, लेकिन उसमें जो थे वो बैठे थे साथ उनके हमाद अजहर बैठे थे और मैंने पूरा शाह महमूद कुरैशी थे जी। हाँ जी मैंने पूरा देखा है, एस्टर पेरस रूइस जो के जो इस वक्त आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान में, मैंने पूरी उस पर रिसर्च की है कि ये हाउ डेयर दे डिड इट मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन उसके पीछे जो नजर आ रहा है मैंने बताया कि अमेरिकन इंटरेस्ट को सिर्फ एक ही इंसान प्रोटेक्ट कर सकता है, इमरान खान नियाज़ी, और वो अमेरिकन हालांकि अमेरिका बहुत कमजोर हो चुका है फॉरेन पॉलिसी में, अमेरिका के हाथ से पूरी दुनिया ऐसे निकल रही है जैसे हाथ से रेत निकलती है। जब से वो फॉल ऑफ काबुल हुआ था सऊदी सबसे पहले भागे थे, जो कि सऊदी अरब को बुलाने वाले अमेरिकन थे, टेक्सिको कंपनी थी जिन्होंने जाकर तेल निकाला था वहां से, अरामको कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिनमें अमेरिका सऊदी अरेबिया दोनों इकट्ठे थे, लेकिन वो छोड़ के जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है अमेरिकन फॉरन पॉलिसी की हालत यह है कि दो आज जो है ईरान के पास से टैंकर गुजर रहे थे, दोनों पे अटैक किया है ईरान के, ईरान ने उनको हॉस्टेज बना उनको कब्जा करने की कोशिश की है, अमेरिकन आगे हुए हैं, इनको कौन पूछता है इस वक्त, हालात ही बहुत खराब है अमेरिका के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल भी हालात है। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, 4 जुलाई के ऊपर 3 शहरों में यहाँ पे मास शूटिंग हुई, कुछ 40 के करीब लोगों को गोलियां लगी हैं, 10-15 मर भी चुके हैं, लेकिन हमारे जो मोहतरम जो बाइडन साहब हैं, स्लीपी जो जिनको कहा जाता है, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्होंने फिर उस पर पोलिटिकल स्कोरिंग की है कि ये गन रिलेटेड इशू है। मैंने उसको रिबटल उस पर किया था कि तीनों शहर जिनके अंदर ये शूटिंग हुई है वहां पे जो मेयर है वो डेमोक्रेट है, वहां गवर्नर है वो सारे डेमोक्रेट है, और दूसरी जिन जिन गन के साथ शूटिंग हुई है वो सारी की सारी इलीगल गन्स हैं, और रिपब्लिकन भी इलीगल गन्स के खिलाफ है, लेकिन वो उस तरफ नहीं जाते क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर, मैं बल्कि आज एक ट्वीट कर रहा था, दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो शदीद डिक्लाइन में है, वन पार्टी रूल जो कि चाइना का मॉडल है वो पॉपुलर होता जा रहा है, जो भी पार्टियां जहां जहां भी इस वक्त अपने इक्तदार में है वो हर इलीगल लीगल तरीके को अपने को इस्तेमाल करके अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आप मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पर लंबी डिस्कशन हो जाएगी, जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को FBI को अमेरिका में
केजी मिसाइल से इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपब्लिकन्स को कहा जाता है कि दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट। जो बाइडन ने अगले दिन अपने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि दिस कोर्ट इज नॉट अ नोबल कोर्ट, इशारा ये दिया है कौम को कि इनके खिलाफ एहतजाज के लिए निकला हो। तो क्या इसके पीछे मोटिव है? वन पार्टी रूल, अनलिमिटेड पावर, नो चेक एंड बैलेंस। तो ये एक पॉपुलर होता जाए फ्रांस के अंदर, आप देख रहे हैं रिटायरमेंट की एज उसने खत्म की थी मैक्रॉन ने, उसके हालत देख लिया। और दुनिया के और कई ममालिक हैं जिस तरीके से मीडिया को एक मीडिया एंटरप्राइज बन चुकी है कि मीडिया के ऊपर भी तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाती, खरीद लिए जाते हैं, चैनल बंद कर जाती है, हर आवाज को बंद कर दिया जाता है, कैंसल कल्चर है। इसके इशारे सारे अगर देखे जाए तो कम्युनिज्म सोशलिज्म की तरफ जाते हैं वन पार्टी। अब दूसरी एक जो बात में आज की आपकी खबर थी पाकिस्तान के अंदर कि वहां पे मीरपुर खासिम के अंदर एक आठ एक लोगों का कुंबा है जिनको जिनमें से पांच लोगों को अरेस्ट कर लिया गया सिर्फ इसलिए कि वो इजराइल ट्रैवल करके जाते रहे। बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर। अब मैं ये बताना ये चाहूंगा कि ज्यादती की है। अब ज्यादती किस तरीके से है आपको पता है शायद कि इजराइल के साथ इस वक्त इजिप्ट, टर्की, यूएई, बहरीन इन सब के सफारती रिलेशनशिप है उनके साथ, इन जॉर्डन एज वेल। सऊदी अरेबिया ने अपने ऊपर से फ्लाइटें उनकी खोल दी। उसके बाद यह है कि इस वक्त ये और यहां आपके कई जो पिछले रूलर्स थे वो इसराइल के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करने के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी करते रहे हैं। वो मीरपुर खास के पांच लोगों को पकड़ लिया है। किस तरीके से पकड़ा गया है? स्टेट डिपार्टमेंट ने चेक, स्टेट बैंक ने चेक किया है कि मीरपुर खास के अंदर एक वेस्टर्न यूनियन की एजेंसी है उसके जरिए पैसे आ रहे थे। अब मैं पैसे बता देता हूं कितने थे। 6 साल में 20 लाख रुपया वो जाके मजदूरी करके इसराइल के अंदर जाते किस तरह थे, वाया जॉर्डन या श्रीलंका या कीनिया। हाँ सर, क्योंकि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो ट्रैवल किया नहीं जा सकता है। नहीं किया जा सकता, वो वहां से जाके जाते रहे। और मैं बताना चाहता हूँ कि उनका उनका पीछे बैकग्राउंड क्या था और ये देखें ये ड्रामा क्या किया जा रहा है। गरीब लोग हैं बेचारे। वो जो उनका बुजुर्ग था उसने एक ईरानी औरत से शादी की थी जो कि यहूदी थी, बाद में वो मुसलमान हो गई लेकिन उनकी एक बच्ची वो इजराइल ज्यूइश रही, वो इजराइल के शिफ्ट हो गई। ये लोग वहां जाके मजदूरी करते थे, कार वॉश, कार गाड़ियां धोते थे, जिन्होंने 6 साल में 20 लाख रुपया भेजा है। क्या कितना पैसा होगा? इन्होंने स्टेट बैंक ने फौरन फुर्ती दिखाई है, एफआईए ने फुर्ती भी दिखा ली और कुछ शर्मो हया करो, सारे के सारे डॉलर अफगानी खरीद के यहां से ले गए, वो तो तुम्हें नजर नहीं आए। अपनी करप्शन तुम्हारी जो बिलियंस में है वो तो नजर नहीं आती। और तुम इसराइल के खिलाफ आप कह रहे हो कि वो मेरा मकसद, और जहां से सारी अपनी इस्लामिक गाइडलाइन लेते हो सऊदी अरेबिया से, वो उनके साथ तो लबी डबी हो रहे हैं भाई। और खुद यहां गरीब लोगों को साथ नहीं लेने देते हो आप। 900 के करीब, आज मैं जो रिसर्च आपने देखने वालों से शेयर करना चाहता था, 900 के करीब हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ज्यूइश रहते हैं, बाकी दूसरे ये तो सामने जो नादरा के दूसरे रैकेट में है, दूसरे तो बेचारे छुप के बेचारे बैठे होंगे। आपने जिस तरीके से वहां पे जो माइनॉरिटीज के हालात हैं, आप देखें शिया लोगों के साथ क्या होता है, हमारी सिंध के अंदर हिंदू बरादरी के साथ क्या होता है, सिखों के साथ क्या होता है। ये और मैं इस पे क्या बताऊं कि ये मैं इसको कंडेम करूंगा, ये जो इजराइल के जो लोग गए हैं इनको इन्होंने पकड़ा है, उन्होंने सफाइयां पेश की हैं अपनी, और उनका कसूर क्या है कि वो बेचारे गरीब लोग हैं तो उनके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन चले ये दूसरी खबर मैं डिस्कस आपसे ये करना है। तीसरा जो है इस वक्त जो मैं चीज डिस्कस करना चाहता, खान साहब आजकल सुना है कि मुबैना तौर पर उन्होंने अपना यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज करा लिया और हर दूसरे तीसरे दिन उसको वो वहां पे कुछ ना कुछ जाहिर आमदन उसमें शुरू हो चुकी है, तो वो उन्होंने बोलना जरूरी समझते हैं। खान साहब की पता नहीं इस वक्त या तो मेरा एहतजाज है, बल्कि मेरा मेरे फीलिंग्स है इसके लिए कि हमारे पाकिस्तान में हार्ट, पाकिस्तान को बाईपास हार्ट सर्जरी की जरूरत है, एमरजेंसी में पड़ी है बॉडी, बड़ी मुश्किल से सांस ले रही है, लेकिन आपके डॉक्टर कहते हैं कि स्टंट डाल देते हैं इसी से गुजारा करो, लेकिन इस तरह होगा नहीं, इस तरह चलेगा नहीं, पाकिस्तान इस तरह चलने का बिल्कुल ही नहीं चल सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी लोग डॉक्टर हजरात हैं कि खुदारा इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करो वरना नहीं बचेगा। मैं मिसाल देना चाहता हूँ, मिसाल ये दूंगा, खान साहब ने अगले दिन फरमाया है अपनी आखिरी स्पीच के अंदर और कुछ इंटरव्यूज में भी गलत बयानियां की उन्होंने, अपने इंटरव्यू में फरमाया उन्होंने कि मुझे
अरेस्ट कर लिया जाएगा बहुत जल्दी, और फिर उन्होंने फरमाया कि घरों में नहीं बैठना, पूरा मन तरीके से बाहर निकलना है। साथ ही उन्होंने दूसरा एक उसी के बाद उसी अपने खिताब में उन्होंने फरमा दिया है कि गुलामी से मौत अच्छी। हाँ बिल्कुल। एक दूसरा उन्होंने कह दिया कि फ्रांस के लोग देखो किस तरह घरों को जला रहे हैं, फैक्ट्रियों को जला रहे हैं, इशारा भी दिया। उन्होंने पुरमन निकलना है लेकिन मर जाओ इससे बेहतर है, वो कहते मर जाओ, ये भी मैसेज दे दिया। और तीसरा उन्होंने तरीकाकार भी बता दिया कि आग किस तरह लगानी। तो पता नहीं फिर ये हमारे देखने वाले जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इसकी सर्जरी करनी है ओपन हार्ट, उनके हाथ क्यों कांप रहे हैं, क्यों वो पाकिस्तान को सेव करने से कातर हैं, क्या हालात है। मैं आखिरी एक पॉइंट, शर्मिंदा हूं मैं, एक खुद वकील, मैं एक वकील का बेटा हूं, खुद वकील हूं, वकीलों का कजन हूं, वकील का बाप हूं, लेकिन जिस तरीके से आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिहेव कर रहे हैं, यूट्यूबर्स को बुला बुला के उनको जो मैसेज दे रहे हैं, ये मैंने आज तक जुडिशियल हिस्ट्री में सुना ही नहीं है। और जिस तरीके से 16 मिनटों में अगले दिन 16 जमानतें दी, और जमानतें देने के लिए कह देते हैं कि फ्यूचर में जो ये क्राइम करेगा उसकी भी जमानत है। जाओ आज शहनशाह का दिल खुश है, कितनी जमानतें चाहती, 1,00,000 जमानतें दे दें, हाजिर दे दो, मुस्तकबिल की जमानतें दे दें, दे दो, ये जुडिशियल। बिल्कुल सर, इसी तरह हो रहा है। किसने करनी है आरजू, मुझे ये तो बता दें कि हम लोग फिर क्या क्या सोचें, किधर जाएगा आपका पाकिस्तान। सर अभी तो, सर अभी तो आईएमएफ के मुबारकबादियां ही चल रही थी कि जी डॉलर जो है वो 270 पे चला गया डॉलर, आज फिर 281 पर आ गया है, तो अब ये लोग किस तरह से मैनेज करेंगे। हालात तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थे भाई। डॉलर की डिमांड देखें, आपने पहला कदम क्या किया है आईएमएफ के पैसों की, जब लेटर ऑफ इंटेंट आया सबसे पहले जजों की तनख्वाह 2-2 लाख रुपए बढ़ा दी। दूसरा क्या हुआ है कि मेरे जो बाहर के पड़े हुए ये जो रॉयल हमारी रूलिंग एलीट है, इनके इन्होंने कुछ प्रॉपर्टियां खरीदनी थी लंदन में, टोरंटो में, दुबई में, तो उसकी फॉरन उन्होंने निगोशिएशन शुरू कर दी। तो डॉलर का रेट सस्ता किस तरह होगा ये बताए ना मुझे, आप कह रहे डॉलर सस्ता हो जाए। जिस दिन ये मैंने अगले दिन ट्वीट किया है, ए मेरे भाई पाकिस्तान में डॉलर लाना, पैसा लाना मुश्किल नहीं है, उस पैसे को रोकना चैलेंज है। मैं खुद इस वक्त स्टॉप वॉच हाथ में पकड़ के बैठा हूं, स्टॉप वॉच कि कितने घंटों में ये पैसे लंदन जाएंगे। ये कोई पहली दफा आरजू पैसा नहीं आ रहा है पाकिस्तान में, मैं करेक्शन करना चाहता हूं यहां पे। आपने जब आपने अमेरिका की जंग लड़ी अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ, आपने कंटेनर्स में डॉलर लिए थे, कंटेनर्स में, उनमें से एक भी डॉलर नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन सर इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा, अभी तो ये कह रहे हैं कि यूएई भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, तो जापान की भी बातें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ जी प्रोजेक्ट नहीं है, एयरपोर्ट बेच रहे हैं यूएई वाले, एयरपोर्ट खरीदेंगे आप, स्टील मिल रशिया खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, उन्होंने लगाई थी वो, अब आपके एसेट्स बिकेंगे, प्रोजेक्ट नहीं होंगे, आपको किसने कहा प्रोजेक्ट होंगे, एसेट्स बिकेंगे, और वो देखें किस तरह चलाते हैं। हाँ मोटरवे का प्रोजेक्ट कोरिया को आपने बेचा था, उनका अच्छा रहा प्रोजेक्ट, सुना है तो मोटरवे पे रेट ही इतना ज्यादा है गाड़ियों का, उस पे आम कोई गरीब आदमी तो चढ़ ही नहीं सकता उस पे, इसी तरह होगा आगे एयरपोर्टों के ऊपर भी चीजें। अब आप एसेट बेचेंगे, लंदन से पार्टियां आ चुकी हैं लूटने के लिए, बड़े बड़े नए तरीके मनी लॉन्ड्रिंग के ला चुके हैं, पहले पनामा लीक था, अब कोई और चीज लीक होगी 5 साल बाद, और कौन को पता चलेगा कि उनकी किस्मतों के सौदे कौन कर गए। ये 76 साल है आरजू, जब तक ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करेगा कोई मर्दे मोमन, कोई इंसान पाकिस्तानी, अभी तक जाती तौर पर बताऊं आपको, आपकी रूलिंग एलीट में उनको पाकिस्तानी नहीं कहूंगा, उनके सिर्फ हाथों में पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और साथ बच्चों की डुअल सिटीजनशिप है उनके, पीछे नीचे पासपोर्ट, एक सामने करते हैं पासपोर्ट, दूसरा पासपोर्ट जेब में होता है, ये सारे के सारे ब्रिटिश एजेंटों के पोते धोते हैं, और दूसरे कौन है, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जिन्होंने सीएसएस किया है। बिल्कुल। एक मैं मॉडल केस आपके सामने पेश कर देता हूँ, आपकी कौम के सामने, मैं कहता हूँ आज मुझे एक तोहफा भी देना चाहिए कि बड़े अरसे के बाद आया हूं, कुछ तो दे जाऊं ना इनको, कुछ तो कहते हैं ना फूड फॉर थॉट्स दे जाऊं। ये मेरे दोस्त जो बच्चे देख रहे हैं कि प्लीज जो कोर कमांडर लाहौर था जिसको निकाला गया है, उसकी जरा उसकी जो लीनिएज उसकी फैमिली पे जरा रिसर्च करें आप। एक मॉडल है ये, इस तरह के 10,000 मॉडल है पाकिस्तान में,
जिसको मैं बार बार ये कहता हूं करप्ट रूलिंग एलीट, खुद वो एक आर्मी जनरल था, उसका एक रिश्तेदार बट्टू था ब्यूरोक्रेट जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, और बंदयाल साहब के साथ भी रिश्तेदारी है चीफ जस्टिस के साथ। देखें मैं जो बार बार ये चीखता हूं कि ये साले बैनोई का दामाद सुसर की गेम है, 10,000 ये कैंसर किस तरह फैल चुका है पाकिस्तान के अंदर, ये कैंसर है और इसकी सर्जरी कौन करेगा? ये बहुत बहुत ज्यादा बहुत बड़ी विल की और बहुत बड़ी डेडिकेशन और पैट्रियटिज्म की जरूरत है। ये सर्जरी जो करेगा, जो कार्डियोलॉजिस्ट इसकी सर्जरी करेगा, वो मुझे अभी तक तो कोई नजर नहीं, एक बंदे पे अभी उम्मीद है मुझे, वरना मैं कल बड़े गुस्से में कहता रहा हूं कि हमारे पाकिस्तान में माए बच्चे पैदा कर ही नहीं, ये टूटे फूटे इधर उधर से आ रहे हैं। तो मेरा मकसद है कि जिनके जो पैदा होते ही जिनकी ख्वाहिश होती है कि मैं डुअल सिटीजन किस तरह बनूंगा, लंदन में घर किस तरह बनेगा, ये बदले ले रहे हैं पाकिस्तान में, सीएसएस करते हैं बदला लेते हैं फिर उसके बाद, तौबा अस्तगफार। एक तो मुझे गिला है इस बात का कि आधे आपके इस वक्त सीएसएस अफसर डॉक्टर हैं एमबीबीएस, वो सारी जिंदगी पहले मैकेनिक बनते हैं, मैं डॉक्टरों को मैकेनिक समझता हूं क्योंकि बॉडी ठीक करने की वो लेते हैं ट्रेनिंग सारी, फिर जब वो कर लेते हैं फिर रट्टा लगाते हैं, रट्टा करके सीएसएस करके आके फिर तबाही फेरते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तबाही की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इंजीनियरिंग करके और एमबीबीएस करके फिर उसके बाद सीएसएस करके अवाम के खून चूसते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सर, अगर यहाँ पे कोई बीमार हो जाए जी तो सर घर बिक जाते हैं लोगों के। लेकिन सर वो जो है DGISPR जो है, उन्होंने भी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिन दिनों आप नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बताया था कि जी इमरान खान के बारे में। मैं उसको भी बात करना चाहूंगा, आरजू ज्यादती की, उन्होंने ज्यादती ये की है ISPR, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी और फिर मेरे जैसे लोग उस स्टेटमेंट के एक एक लफ्ज को जो है अपने डिक्शनरी और अपने दिमागों में से गुजारते हैं। बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कल क्या किया गया? कल सुना है मेरी नजर में, कुछ दोस्तों से बात हो रही थी कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट एक फुट पीछे चली गई एक स्टेप। वो कहते हैं मिलिट्री कोर्ट में नहीं है, दहशतगर्दी की कोर्ट में केस लाया जाएगा। ISPR में उन्होंने कहा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे, हम जैसे लोगों ने कहा था शायद पाकिस्तान बच जाएगा, लेकिन कल उन्होंने कहा नहीं, कल वो पीछे एक फुट पीछे हट गए। अब मेरे जैसे लोग फिर मायूसी में गिर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने कह दिया है कि दहशतगर्दी, उनके नाम डाले जा रहे हैं और आगे जज कौन बैठे हैं आपको पता ही है। वो कहते हैं अम्मी जान आपको सलाम कह रही थी, आप मर्सिडीज में आना पसंद करेंगे कि रेंज रोवर में आएंगे, रेस्ट हाउस में भेजें या सरीना में भेजें आपको? मगर सर वो 102 लोगों का क्या, जिनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत केसेस चल रहे हैं, 17 अदालतें तो बन चुकी हैं, 17 इन्होंने कोर्ट्स बना दिए हैं, वो आम सिविलियन है जो नारे वारे लगा रहे थे उनके ऊपर तो केस बन गया, इमरान खान निकल गए सिर्फ बीच में से, बस वो भी इस तरह ही है, मुल्क के सौदे फिर हो जाएंगे इस तरह। लेकिन देखें अब क्या किया जाता है। लेकिन मैंने बताया, जो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया, आपको जरूरी है, बहुत जरूरी है कि अगले महीने डेढ़ के अंदर अंदर आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हो, वरना ये स्टंट डाल के बाहर निकालना मरीज को मारने के मुतरादिफ है। इसमें ये आपको आपको इस पे सॉलिड स्टेप लेना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन सर लास्ट में बस मैं आपसे एक मिनट और लूंगी, मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस, उससे पहले अमेरिका का भी विजिट बड़ा सक्सेसफुल रहा, तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? जुलाई में उनका ये विजिट भी है फ्रांस का। देखें सब मैं बल्कि उसके सामने चीजें आ रही हैं, मोदी जी का जो था विजिट वो तो एक लैंडमार्क विजिट था अमेरिका का, किसी भी फॉरेन डिग्निटरी का, मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रोटोकॉल। मैंने पहले भी आपको अर्थ किया था कि सिर्फ चंद लोगों ने, विंस्टन चर्चिल ने और नेल्सन मंडेला ने और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने दो दफा स्पीच दी कांग्रेस में, और ये टाइटल अब मोदी जी के पास है। मैं समझता हूँ कि हाईएस्ट चीजों पे जा चुका है, तो उसके इम्पैक्ट भी देख रहे आ रहे हैं। SEO में कंडेम उन्होंने BR बेल्ट एंड रोड उसको भी कंडेम उन्होंने किया है, चाइना को सामने आ रहे, ताइवान की दूसरा कल्चरल सेंटर खुल रहा है मुंबई के अंदर, तो उसके असरात तो सामने आ रहे हैं। they are getting serious to confront China, matter of fact. उसके साथ भी सामने आ रहे हैं, और दूसरा मैं समझता हूँ कि फ्रांस भी आएंगे। फ्रांस इज अल्टीमेटली फ्रांस इज अ पावर। अब देखें जो सरकमस्टांसेस वहां पे, जो एक लूटमार का बाजार गर्म है, हो सकता है मोदी जी के जाने से पहले